अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अरे प्रेम भैया का हाल है तुहार? हा कोनो तकलीफ तो ना ही ना, कोनो परेशानी है का? कोई भी चीज की जरूरत हो तो बता दो हमें, बस सरकार भी आखिरी ख्वाहिश पूछती है। प्रेम बहुत मुफ्त की रोटियां तू खा चुका है, अब ऊपर जाने की तैयारी कर ले। अभी यमराज का फोन आया था, वो आधे रास्ते में है, वो कुछ देर में पहुंचने ही वाला है। अरे नहीं नहीं मंगल भाई, काहे के लिए हमका अभी मार रहे हो? हमका अभी स्वर्गवासी नहीं होना है। अरे जावेद भाई का है ना, हमका मौत से बहुत डर लगता है, और अभी तो भाग भी नहीं रहा हूँ। अरे तू ये देहाती भाषा में कैसे बात कर रहा है? अरे उक्का है ना भैया, हमारे सामने जब मौत खड़ी होती है ना, तो हम कौन भाषा में भी चालू हो जाता हूँ। सही कह रहा मंगल, मौत को सामने देखकर अच्छा छोटी पैन गिली हो जाती है, ये तो फिर भी मासूम सा बच्चा है ना। पगला गया है ये जावेद, पागल हो गया है सपना, हमका छोटा बच्चा कह रहा है, अपन आपको नहीं देख रहा है। अरे एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी जावेद से तो बड़ा ही होता होगा भैया। ए बच्चे, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे, वो भी पूरी कर दूं, वरना कल तू यमराज से ये मत कहना कि मैंने तेरी आखिरी इच्छा नहीं पूरी करी और तुझे ऐसे ही नरक में भेज दिया। अरे हमको ठंडा पीना है भाई। देखो भैया हमको ठंडा पिलाई दो, हम कहा है ना वहां जाएंगे ना यमराज के पास तो सिफारिश करेंगे कि तो का जल्दी बुलाई ले। हमारा मतलब है हम सिफारिश करूंगा कि तुमको यमराज वहां नहीं बुलाए, स्वर्ग में बुलाए। वहां बहुत मस्त मस्त अब सारा लोग डांस करती है, उनका डांस देखना तू चीज है बड़ी मस्त मस्त। भैया लेकिन हमार ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो, हमका ठंडा पिलाई दो। ठीक है इतना रोने की जरूरत नहीं है। इखलाक इसके लिए एक गिलास ठंडा लेके आ। कर ले अपनी इच्छा पूरी कर ले, अपना गला तर कर ले, मौत भी तेरे पास आराम से आएगी और अपनी बाहों में आराम से लेगी। अरे तेरी आखिरी ख्वाहिश का ठंडा। अरे तो पिला नहीं तो हाथ खोल। ये टकले हाथ खोल।
बेवकूफ, ठंडा पिलाएंगे? अरे ठंडा पिला पिला के तो हम मारूंगा, बहुत मजा आएगा। अरे जावेद भाई, जावेद भाई, तो मन्नू को क्या हो गया? अरे जावेद भाई, क्या हुआ आप लोगों को? मन्नू, वो प्रेम, प्रेम भाग गया। मन्नू, एक काम करो, मैं मन्नू को देखता हूँ। प्रेम, मैं प्रेम को देखो, जाओ। हाँ चलो, जावेद भाई, मन्नू, ए मन्नू, मन्नू उठ, मन्नू, मन्नू उठ जा। हेलो, हेलो भैया, हम भैरव बोल रहा हूँ। भैरव, भैरव तुम तो मंगल की कैद में थे ना? अरे भैया, हम आपको बोला था ना कि हमका कैद में रखना वो मंगल के बस की बात नहीं है। अरे हम उनका बाप हूँ, ये बात तो मंगल को भी नहीं मालूम है। हम भैरवनाथ बाबा हूँ, भैरवनाथ बाबा। अरे उस ससुर के नाती हमका मारने आए थे भैरवनाथ को, लेकिन हमने सबको मार मार के खुद ही सुला दिया। भैया क्या मार डाला? अरे नहीं नहीं भैया, सिर्फ हाथ पर तोड़ा हूँ। लेकिन भैरव तुम अभी कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया वो झूले वाला गार्डन है ना, हम वहां से ही बोल रहा हूँ। वो कहा है ना, हमका मंगल और मंगल के आदमी लोग घूम रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ हूँ। अब यहीं आ जाओ। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ढूंढूंगा कहाँ पर? अरे भैया बस आप झूले वाला गार्डन आ जाओ, आप हमका नहीं ढूंढ पाओगे, हम ही आपको ढूंढ लूंगा। और भैया एक काम करना, हमका बहुत जोरों का भूख लगा है, हमारे लिए कुछ खाने को जरूर लेके आना। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। ये मेरे पास तमाम जगह है, और भैरव को तब तक हम इस घर में नहीं लाएंगे जब तक सारे राजों से पर्दा नहीं उठ जाता। फिलहाल तुम अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो क्या माँ जी को भी नहीं? मैंने कहा ना, अभी किसी को भी नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूं।
भाईजान वो कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम लोग तो बहुत महान लोग हो, इतने सारे लोग पर एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को संभाल नहीं सके। किन आ रही है तुम लोगों पर? कैसे कैसे कमजोर लोगों को हमने अपना नाम दे रखा है, बाबा खान का नाम। तुम लोग बेवकूफ, समझते नहीं हो कि मार्केट में बाबा खान का नाम है? तो बाबा खान का नाम पाकर भी हार के आ गए। एक हार, एक झटका, मैं 3 साल पीछे करता था। 3 साल, 3 साल लग जाता है इस धंधे में नाम कमाने के लिए। दुनिया वाले क्या कहें, बाबा खान हार गया। खान भाई, हमें माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं कि हमारी गलती हुई है, हमें पता नहीं था कि हमारे हाथ से इतनी आसानी से प्रेम निकल जाएगा। ओए जावेद, बस कर, बस बस, कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम लोगों को बाबा खान का नाम खराब करना था, नहीं खान भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमने ही आपका नाम खराब किया और हम ही आपका नाम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। ये हो सकता है कि हम लापरवाह हो जाएं, लेकिन हमें भी आपकी कंपनी के साथ अपना नाम ऊंचा करना है। हमारे सर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। हम अपनी एम कंपनी का नाम आपके साथ ऊंचा करना चाहते हैं। बस इसी 10 लाख रुपए ने तुम लोगों को कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। तुम लोग में अहंकार आ गया कि तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा हो गया। ओए मंगल, दादा से पूछो कि एक वक्त हम किसी को भी फोन करके 10 करोड़ मंगाता था तो कोई हमें ना नहीं बोलता था। सपनों में भी कोई हमसे जुबान नहीं लड़ा सकता। जब हम मुंबई शहर में आया तो मुंबई शहर में 90 गैंग हुआ करती थी। हमने 10 साल में सारी गैंग को साफ करके बाबा खान ने अकेले मुंबई शहर पर राज किया और आज तक पुलिस फाइल में हमारा फोटो तक नहीं है, क्योंकि हमने सारे फंसने के रास्ते बंद कर दिए। लेकिन आज तुम लोगों ने बाबा खान का नाम बर्बाद कर दिया। भाईजान, मैं आपसे वादा करता हूं, उस प्रेम के बच्चे को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जावेद, उस प्रेम का क्या मैं अचार डालेगा?
मुर्दा बनाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देना। जाओ उसे ढूंढो, खत्म करो, जाओ। और हमारा मुंह क्या देखता है, जाओ। अल्लाह कसम, बेवकूफ से पाला पड़ा है, बेवकूफ से। क्या बात है बहू, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, जैसे भगवान ने तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी की हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी झोली में भगवान ने दुनिया जहान की सारी खुशियां डाल दी हो। हाँ बाबूजी, कुछ ऐसे ही चमत्कार हो गया है। ये क्या कह रही है बहू, कैसा चमत्कार? प्रेम के पापा जेल से जल्दी ही छूट जाएंगे, उनकी जमानत मंजूर हो गई है, है ना चमत्कार बाबूजी? सच में बहू, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। इतने दिनों बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली, बहुत वक्त गुजर गया बहू, खुशी की कोई खबर सुने हो? आज इसी वजह से बहू अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे एक सपने सा लग रहा है। सच कह रहे हैं बाबूजी, ये बात सपने जैसी तो है, मगर ये है सच्चाई। प्रेम के पापा जल्दी ही रिहा हो जाएंगे बाबूजी। बाबा जी, खान भाई ने हमारी इज्जत की तीसें उड़ा दी। आज से पहले मुझे कभी एहसास नहीं होता अपनी बेइज्जती का। मंगल, आज ऐसा लग रहा है कि हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। ठीक कह रहे जावेद भाई, आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और ये जो कुछ भी हुआ प्रेम की वजह से। मंगल दादा, उस दिन अगर हम प्रेम को मार देते आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। हाँ मंगल भैया, उस दिन जावेद भाई ने ही आपको रोका था। ये सब जावेद भाई की वजह से हम लोग को दिन देखना पड़ रहा है।